मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम क्या सीखने वाले हैं पता है? क्लीनलीनेस के बारे में। क्लीनलीनेस के बारे में यानी साफ सफाई के बारे में, स्वच्छता कैसे रखे अपनी बॉडी की, अपने शरीर की स्वच्छता कैसे रखे उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो फिर आपको ध्यान से सुनना है और पिक्चर में दिखाया गया है वैसे ही आपको करना है घर पे, ठीक है? मैं बताऊं वैसे वैसे आप हर रोज उसको फॉलो करेंगे, वैसे ही करेंगे। समझ में आया? जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपनी बॉडी की साफ सफाई अच्छे से रखते हैं, यानी क्लीनलीनेस, साफ सफाई। ओके, तो हम यहाँ पे आपकी जो ईवीएस की नोटबुक है उसमें पेज नंबर 18 पे यहाँ पिक्चर के साथ कौन कौन सी साफ सफाई रखनी चाहिए ये सारा दिखाया गया है पेज नंबर 18 में। ओके, दोनों की बुक में पेज नंबर 18 पे ये वाला लेसन दिया गया है। तो मैं यहाँ आपको एक एक पिक्चर करके दिखाऊंगी और बोलूंगी कि क्या क्या करना है। सो लिसन केयरफुली। ओके, लिसन केयरफुली। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पिक्चर में क्या बताया गया है कि हमें हमारे जो टीथ है वो हर रोज सुबह में उठने के बाद और रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। वी मस्ट ब्रश अवर टीथ आफ्टर गेटिंग अप एंड बिफोर गोइंग टू बेड। सोने से पहले और उठने के बाद हमें हमारे टीथ को ब्रश से अच्छे से क्लीन करना चाहिए। फटाफट नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे से, स्लोली स्लोली अच्छे से क्लीन करने चाहिए। समझ में आया? ध्यान से, धीरे धीरे से, जिससे हमें ब्रश हमारा अंदर चुभ ना जाए, लग ना जाए, इस तरह से ध्यान से अच्छे से दांतों की साफ सफाई करनी चाहिए। तो क्या लिखा है? वी मस्ट ब्रश अवर टीथ आफ्टर वी गेट अप एंड बिफोर वी गो टू बेड। सोने से पहले और सुबह में उठने के बाद हर रोज ब्रश करना चाहिए। सब लोग करते हो ना? दो बार करना है, एक बार नहीं करना है, सब लोग एक बार करते हैं। पर कितनी बार करना है? ट्वाइस अ डे, दिन में दो बार करेंगे ना इससे। हाँ, चलो फिर क्या करना है? वी मस्ट हैव अ बाथ एवरी डे। सुबह में नहाना भी चाहिए, सुबह में हर रोज नहाना चाहिए। ठंडी हो सर्दी हो तो आप सब बोलोगे नहीं नहाना तो ऐसा चलता नहीं है। हमारे बॉडी को क्लीन अप करना चाहिए, अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए, वरना हमारी जो स्किन होती है वो बिगड़ जाएगी और बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे। तो इसी तरह से साबुन से हमारी बॉडी को क्लीन करना है। पहले रब करना है, साबुन से घिसना है, रगड़ना है और फिर पानी डाल के क्लीन करना है। ओके, देन वी मस्ट कॉम्ब अवर हेयर डेली। हमें हमारे जो बाल हैं, बालों को भी अच्छे से बनाना चाहिए। नहाने के बाद बालों में ऑयल लगाना चाहिए और अच्छे से हेयर कॉम्ब करना चाहिए। समझ में आया? तो इस तरह से बालों की भी सफाई रखनी है, सिर्फ हमारी बॉडी की नहीं पर हमारे जो बाल दिए गए उसमें शैम्पू करना चाहिए और अच्छे से बाल क्लीन करने चाहिए, फिर सुखानी चाहिए और उसके बाद हमारे
हेयर में ऑयल से मसाज करनी चाहिए और उसको हेयर कॉम्ब करना चाहिए। समझ में आया? क्या करेंगे पहले उठने के बाद? ब्रश अवर टीथ, हैव अ बाथ एंड कॉम्ब अवर हेयर। ओके, ये सब करते हो ना आप सब कि नहीं करते हो? मम्मी के पास रह के करना है ये सारा। ओके, चलो नेक्स्ट। वी मस्ट कट एंड क्लीन अवर नेल्स। हमारे जो नेल्स होते हैं उसको कट करना चाहिए, वीक में एक बार अच्छे से कट करना चाहिए, बढ़ने नहीं देना चाहिए। ओके, और इस तरह से नेल्स को क्लीन रखना चाहिए। क्यों क्लीन रखना चाहिए? क्योंकि हम ये हमारे हाथों से खाते हैं, अगर नेल्स बढ़ाए तो उसमें बहुत सारा कचरा आ जाएगा, जम्स आ जाएंगे, और फिर हम जैसे खाएंगे तो वो भी हमारे पेट में अंदर जाएंगे। इसीलिए हमें हमारे जो नेल्स है उसको क्लीन करना चाहिए, कट करना चाहिए। सो वी मस्ट कट अवर नेल्स एंड क्लीन। समझ में आया? ओके, देन नेक्स्ट। अब क्या लिखा है कि हमें सर्दी हो जाती है, छींक आती है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे ही छींक नहीं खानी चाहिए, पर हमारे पास एक हैंड की रखना चाहिए, हैंड करचीफ, रुमाल रखना चाहिए। तो जब भी हमें छींक आती है, सर्दी हो जाती है, तो हमारा जो नोज है उसके ऊपर ऐसे रुमाल को ढकना चाहिए और फिर छींक खानी चाहिए। कैसे? ऐसे ऐसे रुमाल से, ऐसे ऐसे रुमाल से ढकना चाहिए और फिर छींक खानी चाहिए। इस तरह से छींक खानी चाहिए जिससे हमारे मुंह के जम्स बाहर न चले जाए। समझ में आया? अभी हम मास्क पहनते हैं ना, तो इसी तरह जब भी छींक आती है तब हमारा हैंड करचीफ हमें मुंह पे रखना चाहिए। सर्दी हो गई है तो भी मुंह पे रखना चाहिए जिससे दूसरे को न हो जाए। समझ में आया? इन्फेक्शन न हो जाए। इसीलिए तो क्या लिखा है, वी मस्ट कवर अवर नोज। कब? कवर अवर नोज एंड माउथ दोनों को। तो कब रखना चाहिए? वेन वी हैव कफ, हमें सर्दी हो जाती है, स्नीज छींक आती है, तब हमें हमारा जो रुमाल है वो हमारे नोज और माउथ से कवर करना चाहिए। देन नेक्स्ट। फिर हमारी जो आईज होती है, आईज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हम कभी कभी उसको भूल ही जाते तो हम उसको अच्छे से क्लीन करते नहीं, पर क्या करना चाहिए? दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से आंखों में छंटकाव करना चाहिए पानी से, और फिर उसको साफ करना चाहिए। अंदर आइस के अंदर नहीं जाने देना है, पर धीरे से पानी से आइस को साफ करना है प्लस, और फिर ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहीं। ओके, तो इस तरह से हम हमारी आंखों को भी क्लीन रख सकते हैं। तो क्या लिखा है, वी मस्ट प्लस छंटकाव करना चाहिए कोल्ड वाटर, ठंडा, बहुत ठंडा भी नहीं, फ्रीज का नहीं, पर नॉर्मल वाटर जो टैप में आता है, नल में आता है, उससे ऐसे ऐसे पानी यहाँ पे लेना है और फिर ऐसे ऐसे आंखों पे डालना है और आईज को क्लीन रखना है। सो वी मस्ट प्लेस कोल्ड वाटर ऑन अवर आईज टू कीप देम क्लीन, टू कीप देम क्लीन, उसको स्वच्छ रखने के लिए। देखो यहाँ पे इस तरह से प्लैश करना है। देखो ये दो है, उन्होंने नाक पे रुमाल रखा है, नाक और मुंह पे, और ये गर्ल है वो नेल्स को कट कर रही है, नेल्स को कट कर रही है। ओके, चलो अब हाथों की बारी। वी मस्ट वॉश ओवर हैंड बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले और आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद। जब भी हम बाहर से आए तभी भी हमें हाथ धोने चाहिए, खाना
खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद तो धोते ही, और कहीं बाहर गए हो तो बाहर से आने से बाद क्या करेंगे, हाथ को अच्छे से ऐसे रगड़ रगड़ के धोएंगे। और फटाफट ऐसे ऐसे नहीं कर देना है, और अच्छे से ऐसे फिंगर को साफ करना है, और साबुन लेना है या लिक्विड हो तो लिक्विड से अच्छे से ऐसे रगड़ना है, रब करना है, और फिर थोड़ी सेकंड तक ऐसे रब करते रहना है, और फिर ऐसे ऐसे करके फिर उसको पानी से साफ करना है। फटाफट ऐसे पानी से कर दिया ऐसे नहीं, समझ में आया? तो क्या करेंगे, वी मस्ट वॉश अवर हैंड बिफोर ईटिंग आफ्टर ईटिंग, बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। जो लड़का देख रहे हो आप सब, वो अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर रहा है पानी से, तो आपको भी इस तरह से करना है। चलो देन वी मस्ट थ्रो रबिश इन अ डस्टबिन। देखो ये अपने जो रूम है और आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो जो भी कचरा होता है वो यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, नहीं उसको डस्टबिन में डालते हैं, कूड़ेदान में डालते हैं, और अपना रूम होता है उसको अपने आप ही क्लीन कर देते हैं। यहाँ वहाँ इधर उधर कुछ भी कचरा डालते नहीं है, तो इस तरह से आपको भी क्लीन करना चाहिए। वी मस्ट थ्रो रबिश इन अ डस्टबिन, डस्टबिन में ही कचरा डालना चाहिए। कि आपने कोई पेज फाड़ा तो वो आपको डस्टबिन में डालना चाहिए, फिर आपने शार्पन किया तो उसको भी आपको डस्टबिन में करना चाहिए, नीचे जमीन पे करना चाहिए न। इट्स नॉट अ गुड हैबिट, अच्छी बात नहीं है। अगर आप अपना आसपास का जो वातावरण है उसको गंदा रखोगे तो आपके ऊपर भी वो सारे जीवाणु आ जाएंगे। इसीलिए जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास गंदगी फैलानी चाहिए नहीं, उसको क्लीन रखना चाहिए। फिर वी मस्ट कीप अवर बुक्स नीट एंड टाइडी। यहाँ पे देखो ये जो गर्ल है ना, उसने अपनी सारी बुक्स कैसे अच्छे से लगा के रखी है, मतलब कबर्ड में या जो भी आप रखते हो तो अच्छे से बुक्स को रखना है। मैसी मैसी करके रख देना नहीं है कि चलो फेंक दी, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ऐसे नहीं, अच्छे से उसको लाइन में रखनी है और हमारे रूम को क्लीन रखना है। तो वी मस्ट कीप अवर बुक्स नीट एंड टाइडी, अच्छे से साफ सुथरा रखना है। समझ में आया? हमारी जो बुक्स है उसको कवर करना चाहिए, जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे ही हमारी जो बुक्स होती है उसको भी कपड़े पहनाने चाहिए, है ना, वरना जो उसका कवर होता है वो फट जाएगा। तो इसीलिए उसको भी कवर से अच्छे से, आपको अच्छे से कवर करना होता है। समझ में आया? क्या क्या करना है एक बार फिर से, अच्छे से दांत को साफ करना है, ब्रश योर टीथ, हैव अ बाथ डेली, देन कॉम्ब योर हेयर, कट योर नेल्स, स्नीज व्हेन यू हैव स्नीज, छींक आती है और कफ होता है तो कवर योर माउथ एंड नोज विद अ हैंडकरचीफ, देन प्लेस कोल्ड वाटर ऑन योर आईज, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, देन वी मस्ट थ्रो रबिश इन अ डस्टबिन, कचरा पेटी में ही डालना चाहिए, और वी मस्ट कीप अवर बुक्स नीट एंड क्लीन, हमारी जो बुक है उसको अच्छे से साफ सुथरा रखना चाहिए। समझ में आया? ओके, सो आप सब ये रूल्स फॉलो करना और अच्छे से अपनी बॉडी की साफ सफाई रखना। टिल देन बाय, टेक केयर।